हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप घर बैठे ही कैसे अपनी गिरदावरी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गिरदावरी डाउनलोड करने की फुल डिटेल बताऊँगा। आप गिरदावरी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं, पीसी में भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सबसे पहले अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। आप सबसे पहले अपने क्रोम में लिखिए khachra.rbas और ऊपरी पर लिखा हुआ है धरा गिरदावरी, इसको खोल लीजिए। इसको खोलने के बाद में आप सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लो आपको जो भी ज़िला है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मेरा हनुमानगढ़ ज़िला है, मैं हनुमानगढ़ ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी तहसील है वो तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले में टीबी नौहर रावसर तीन ही तहसील की गिरदावरी ऑनलाइन की हुई है। पीलीबंगा, भादरा, संगरिया और हनुमानगढ़, चार तहसील की गिरदावरी अभी ऑनलाइन नहीं है, तो इनको पटवारी के पास जाके ही ऑनलाइन निकलवानी पड़ेगी गिरदावरी। तो दोस्तों आप जो भी गिरदावरी निकालना चाहिए उस पर ओके कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं रावसर निकालना चाहता हूँ, रावसर पर ओके कर लेता हूँ। अब इसके बाद में आपके जो भी गाँव का नाम है वो आप गाँव का नाम सेलेक्ट कीजिए। देखिए आप सबसे पहले इस साइड में आपके गाँव का नाम दिखाएगा, फिर पटवार हल्का दिखाएगा और बाद में ILR दिखाएगा। तो दोस्तों आपके गाँव का जो भी नाम है वो नाम आप देख लीजिए। जैसे मान लो आपका जो भी गांव का नाम है वो गांव का नाम आप उस नाम पे ओके कर लीजिए। जैसे मान लो मेरा 2KWD गांव है तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ। आपको आप यहाँ पर आपकी फसल की जानकारी पूछेगा, अभी आपको कौन सी फसल है। जैसे मान लो रवि की फसल है, जायद है, खरीफ है, रवि है, इनमें से कौन सी आपकी फसल है उस फसल पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लो मैं रवि की फसल पर ओके करता हूँ तो अपना खाता नंबर आगे सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। इधर तो लिखा हुआ है आपका खाता नंबर और इधर लिखा हुआ है जो भी खातेदार का नाम है उसका नाम लिखा हुआ है। आपको जो भी जमाबंदी डाउनलोड करनी है वो आप देख सकते हैं, इधर खाता नंबर देख सकते हैं और खाता नंबर से आगे नाम भी लिखा हुआ है, नाम भी मिला सकते हैं। आपको जो भी डाउनलोड करनी है वो आप नाम और खाता नंबर से देख के कर सकते हैं डाउनलोड। जैसे मान लो मैं 53 नंबर देखता हूँ, आगे बढ़े पे ओके करता हूँ। इस पर ओके करने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटेल दिखा दी है इसने कि ये ज़मीन किसके नाम से है, कितनी ज़मीन नाम है, क्या क्या बीजा हुआ था उसमें। ये देखिए दोस्तों, ये दिखा रहा है, मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं डाउनलोड कर लिया, ये हो गई ये डाउनलोड। अब मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए दोस्तों आपके सामने रही है। देखिए ये लिखा हुआ ग्राम 2KWD पटवार हल्का 22 है जी, बूले निवास रावसर आ गया, तहसील रावसर आ गया, जिला हनुमानगढ़ आ गया, खाता संख्या आ गई 53, काश्तकार का नाम आ गया बलवंत राम पुत्र सोन लाल, और यहाँ पर ज़मीन दिखा रहा है, जो कमांड है वो कमांड दिखा रहा है, जो अनकमांड है वो अनकमांड दिखा रहा है। ये देखिए इसमें सरसों बीजी हुई तो इसमें सरसों दिखा रहा है, एक आधा बीघा दोनों में सरसों है तो सरसों ही दिखा रहा है इसमें। और ये देखिए नीचे अनकमांड अनकमांड अनकमांड, इनको अनकमांड दी हुई है, पानी लगता है इनमें नहर से, और इसमें गेहूँ बीजी हुई थी तो इसमें ये इनका दिखा रहा है किला नंबर खसरा नंबर जो भी है वो दिखा रहा है, सिंचित क्षेत्र कितना, ये सिंचित क्षेत्र दिखा रहा है यहाँ पर इनका, और यहाँ पे टोटल डिटेल दिखा दी। आप इस जमाबंदी को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, इसमें आप डाउनलोड करके और अपने पटवारी से मोहर लगवा लीजिए। आपके जैसे मान लो इनके 22 का पटवारी जो भी लगता है वो इस पर सिर्फ उसको इतना ही काम करना होगा, पटवारी को सिर्फ इस पर मोहर लगा के देनी होगी, ज़्यादा उसको कोई ज़्यादा काम नहीं करना होगा, ना ही अपना आपका टाइम खराब होगा, ना ही ज़्यादा पटवारी का टाइम खराब होगा। तो आप ऐसे जब आपकी गिरदावरी डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपनी फसल का सारा ब्यौरा देख सकते हैं, जो भी आपकी फसल का ब्यौरा है वो देख सकते हैं। जैसे मान लो रवि की आ गई, खरीफ की आ गई, आपको जो भी फसल डाउनलोड करनी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए बाकी दोस्तों मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जो भी चाहें जैसे भी चाहें देख सकते हैं। दोस्तों बस आप एक सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। देखिए दोस्तों ये दिखा रहा है इसमें उसी सेम ज़मीन में दिखा रहा है कमांड 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 में कि क्या बीजा हुआ था, इसमें पहले गुवार बीजा हुआ था, इसमें नरमा बीजा हुआ था, तो सब कुछ दिखा रहा है, जैसे बीजा हुआ था वैसे ही दिखा रहा है। आपका जो भी एरिया क्षेत्र पड़ता है आप उसके वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।